हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो वेलकम टू एकेडमिक रिव्यू। एंड आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं 12th का पहला चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? तो इस क्लास में हम ये जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, और लाइफ स्पैन क्या होते हैं, और मैं लास्ट को कुछ बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा और स्टार्ट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, ये पूछता है आपका एग्जाम में। तो अगर ये पूछ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, देन आपको आंसर क्या लिखना, आंसर आपको लिखना है इट इज ए प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। लिखो, इट इज अ प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म, यहां पे आन लिखो, एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस व्हिच इज सिमिलर टू इटसेल्फ। समझ में आ गया? मैं समझा रहा हूं। देखो, और भी पॉइंट्स हैं, हम लिखेंगे बाद में, लेकिन इसको समझना है पहले। इट इज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस होता है इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है। दैट मीन्स ऑफ द सेम काइंड, इट इज ऑफ सेम काइंड। दैट मीन्स ये एक ऑर्गेनिज्म है तो ये एक ह्यूमन बींग ही पैदा करेगा, ना कि वो एक डॉग पैदा करेगा। समझ में आ गया? अगर एक ह्यूमन होमोसापियन मैनकाइंड है तो वो मैनकाइंड को ही पैदा करेगा, और वो मैनकाइंड और जो पैदा हुआ, दैट इज द प्रोजेनी। कंसेप्ट जानो, ये होता है जो पैदा होता है, पी बोले तो पैदा, पी बोले तो प्रोजेनी। समझ में आ गया? प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स जो पैदा होता है, बर्थ जो लेता है उसको हम प्रोजेनी बोलते हैं, और ये होता है पेरेंट। क्लियर? ये क्या होता है, पेरेंट, आइदर वो मदर हो, आइदर वो फादर हो, आइदर वो बोथ मदर और फादर हो। क्लियर? दिस इज अ कंसेप्ट। सपोज आपको पूछ लिया कि कहीं पे भी कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आप सिंपल का एग्जांपल, अगर आपको ये एग्जांपल, सॉरी, आपको ये डेफिनेशन याद नहीं है, ओके, अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं है तो आप सिंपल सा एक माइंड मैप कर लोगे वहां पे कि मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है? देखो, मैं अगर सोचूं, एनालिसिस करूं, देखो बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम एनालिसिस करते करते हमारा सब खत्म हो जाता है। दैट मीन्स अगर हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस वे में पढ़ेंगे, तब जाके बायोलॉजी का बहुत मजा ले सकते हैं। देखो कैसे मैं एनालिसिस किया, क्या ना एक पेरेंट है, किसी बुक में ये सब नहीं दिया है कि पेरेंट है, ऑफस्प्रिंग है, नो नहीं दिया है, ये टाइप का एग्जांपल नहीं दिया है। मैं सोचा, एनालिसिस किया, दैट मीन्स दिस इज ए पेरेंट, आइदर वो फादर हो सकता है, आइदर वो, देखो ये जानते हो कि नहीं, ये मदर को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स इट इज अ फीमेल, फीम के लिए, और ये फादर के लिए, दैट मीन्स मेल के लिए, और ये बाइसेक्सुअल, दिस इज द बाइसेक्सुअल, ये जानते हो कि नहीं, ये 11th में शायद पढ़े होंगे आप सब। समझ में आ गया? ये मदर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये फादर को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बाइसेक्सुअल, इसको खैर हम पढ़ना नहीं है हमें, क्लियर, इसको मिटा देते हैं, ये पढ़ेंगे नहीं इसको। देखो, या फिर ये जो पेरेंट दोनों हो सकता है, या फिर वो एक हो सकता है और भी एक हो सकता है, दैट मीन्स आइदर वो फीमेल हो सकता है, या फिर वो फादर हो सकता है, या फिर मेल हो सकता है, या फिर बोथ फीमेल और मेल
हो सकता है। तो वो फ्यूज करके क्या देंगे, प्रोजेनी, जिसको हम बोलेंगे प्रोजेनी। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है। अगर ये डेफिनेशन भी याद नहीं रह रहा है तो मैं और एक सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं आपको, जो कि लिख लो, बहुत ही हेल्पफुल होगा। सेकंड डेफिनेशन जो होगा, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, सिंपल यार, समझो। तो इट इज ए डेफिनेटली इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्लियर, थ्रू विच, सॉरी यार, थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, यही आपको लिखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। देखो ऑफस्प्रिंग का नाम जो है, ये जो है इसको हम प्रोजेनी भी कहते हैं, इसको हम प्रोजेनी भी कहते हैं। वही सब चीजें हैं आपको समझना है। ओके, ये एक दूसरा डेफिनेशन है, और लिख देते हैं, और भी एक डेफिनेशन है जो कि उसको उसका जो प्रॉपर्टी को एनालिसिस में लाता है। जैसे कि व्हाट विल डू, मतलब ये रिप्रोडक्शन क्या करता है, जनरली रिप्रोडक्शन क्या करता है, तो आपको लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पॉइंट जो लिखा रहा हूं अब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको लिख लीजिए। तो इट इज, इट एंश्योर्स, व्हाट, इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसिस। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स जो स्पेसिस कंटिन्यूटी होता है वो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, देयरफॉर इट इज, यहां पे और एक ऐड कर लेते हैं, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। आप समझते हैं इसका क्या मीनिंग है, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। देखो मैं क्या बोल रहा था कि एक पेरेंट है, ये पेरेंट, ओके, ये क्या किया, ये सपोज फादर है, समझो ये फादर है, ये क्या किया, फ्यूज किया मदर के साथ, क्लियर, ये फीमेल है, ये मेल है, ये मदर के साथ फ्यूज किया, फादर और मदर फ्यूज किए और बना मैं, दिस इज द प्रोजेनी। और मैं क्या किया, दूसरे लड़की के साथ शादी किया, समझे, मैं और एक लड़की से शादी किया जो कि फीमेल है, और मैं, अरे यार क्या कर रहा हूं, मेल, तो ये क्या किया, एक बच्चा दिया जो कि सपोज एक फीमेल लिया, ओके, और वो फीमेल एक मेल के साथ शादी करेगा कि नहीं, वो शादी करने के बाद और एक बच्चा पैदा करेगा, या फिर वो मेल हो सकता है, या फिर वो फीमेल हो सकता है, या फिर वो मेल हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं इस एनालिसिस चार्ट पे, ये जो एनालिसिस हमने किया इसमें हम क्या देख रहे हैं, मैं अगर इसको पूछूं कि आपका दादाजी का नाम क्या है तो वो बताएगा, ये थोड़ा ना ये बताएगा कि ये है मेरा दादाजी, वो बताएगा कि दिस प्रोजेनी विल बी हिज ग्रैंडफादर, क्लियर, दिस प्रोजेनी इज हिज ग्रैंडफादर। तो हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, दैट मींस जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जा रहा है, ये फिर दूसरे को शादी करेगा, फिर बच्चा पैदा करेगा, फिर बच्चा वो फिर दूसरे शादी करेगा, फिर बच्चा पैदा करेगा, दैट मीन्स इट इज ए टोटली बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट इज ए कंटिन्यूअस इन नेचर। व्हाट इज कंटिन्यूअस, यहां पे कंटिन्यूअस हो रहा है, देख रहे हो ना, ये सब कंटिन्यूअस हो रहा है, ओके,
अगर एक सवाल आप यहाँ पे आ रहा है कि अगर ये बच्चा जो पैदा हो गया यहाँ पे, या अगर बच्चा पैदा हो गया यहाँ पे, ये शादी नहीं किया, ये भी तो हो सकता है, ये शादी नहीं किया, वो क्या किया ना, संन्यास ले गया। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का चार्ट डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन का जो चार्ट हमारा है, मतलब इवोल्यूशन से इवोल्यूशन जो आता रहता था, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया। समझे या नहीं? ये तो नहीं पूछता है जनरली, जो पूछता है मैं वो बता दिया कि इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। दैट मीन्स हम जो जनरेशन बोल रहे हैं, हम देखो, हम अगर मैं बोल रहा हूँ 99% जो होता है उसको हम लेते हैं, या फिर 1% जो होता है सही उसको हम लेते हैं, जो 99% जो होता है, दैट मीन्स ये जो होता है सन्यासी लेवल, ये सपोज 5% हो गया, तो 95% तो यही होता है ना, 95% यही तो होता है ना। तो हम ये पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि इट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज ओवर जनरेशन टू जनरेशन। ओके, समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो इस क्लास में, तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, मैं जरूर आपका रिप्लाई दूंगा। ओके, टेंशन मत लेना है। ओके, पढ़ना है, बिंदास पढ़ना है। वेरी गुड। तो ये आपका आ गया एक ओवरव्यू, ओवरलुक ऑफ रिप्रोडक्शन। हम फिर डिटेल में जाएंगे जब टाइप्स में पढ़ेंगे, दैट मीन सेक्सुअल क्या होता है, असेक्सुअल क्या होता है, फिर सेक्सुअल टाइप का, सेक्सुअल में टाइप्स होते हैं, फिर असेक्सुअल में टाइप्स होते हैं, तो ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो वहां पे हम रिप्रोडक्शन के बाद, दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैं बताऊंगा। ओके, खैर ये हो गया, क्लियर, मिटा दूं? ओके, अब देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइफ स्पैन। क्या लाइफ स्पैन? ये लाइफ स्पैन क्या होता है रे बाबू? लाइफ स्पैन, दिस इज द लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? ओके, मैं यहां पे जन्म लिया, यहां पे बुढ़ा होके मर गया, लेटा हूं, तो यहां से यहां तक जो टाइम और पीरियड, जिसको बोलेंगे बायोलॉजिकल टर्म में पीरियड, उसी को बोलेंगे लाइफ स्पैन। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा, देखो मैं एनालिसिस कैसे कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं यहां पे जन्म लिया, यहां पे मर गया, यहां पे मेरा बर्थ हुआ, यहां पे मेरा डेथ हुआ। देखो एनालिसिस करो, यहां पे मेरा बर्थ हुआ तो डेथ हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या बोला कि टाइम बिटवीन, दैट इज द पीरियड बिटवीन दिस बर्थ, द पीरियड बिटवीन दिस बर्थ एंड दिस डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। तो हम सिंपल से डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ काम का चीज नहीं है। देखो लाइफ स्पैन का अगर डेफिनेशन लिखना है तो ये लिख लो, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ओके, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देखो यूनिसेलुलर में बताऊंगा, देखो बता रहा हूं यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब यूनि का मतलब वन, सिंगल, सेल का मतलब सेल, सेलुलर का मतलब सेल, दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ होता है उसको बोलेंगे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल मोनेरा, प्रोटिस्टा, दीज आर यूनिसेलुलर
प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया पूरा? वेरी गुड। तो क्या कर रहे हैं हम? दैट मीन्स जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट मीन्स उनका एक नेचुरल डेथ नहीं होता है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में नेचुरल डेथ हो जाता है, उनका एक नेचुरल मतलब उनका एक एवरेज ईयर नहीं है जहाँ पे वो मरेंगे, उनका एक नेचुरल डेथ नहीं होता है। क्लियर? देयर इज नो नेचुरल डेथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये आपको थोड़ा समझना था और कुछ भी नहीं। अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स मैं बोलूंगा और उसका लाइफ स्पैन बोलूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आता है एग्जाम में। देखो मिटा दूं। ओके, अब देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स लेंगे और उनका लाइफ स्पैन लेंगे। पांच स्टोर लेंगे, इतना ज्यादा नहीं लेंगे, बस इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है वही मैं बता रहा हूँ आपको। देखो पहला आएगा आपका डॉग, कुत्ता। डॉग 22 इयर्स तक जी सकता है, उनका लाइफ स्पैन जो होता है, दैट मीन्स मैं क्या बोला, अल्टीमेट डेथ, दैट मीन्स बर्थ टू डेथ कितना टाइम है वो 22 इयर्स है डॉग का। ओके, अगर मैं लूंगा काउ का, सेम 22 इयर्स, 22 साल वर्ष जी सकता है एक गाय। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो पैरोट, अबाउट 140 इयर्स जी सकता है, समझ में आ गया? और अब देखो क्रोकोडाइल, जो कि जी सकता है अबाउट 60 इयर्स, समझ में आ गया? एलिफेंट, जो कि जी सकता है, ये व्हाट आर दिस, दिस इज द एवरेज। ओके, एवरेज दैट मीन्स इतना साल जी सकते हैं। हाँ हो सकता है ये 60 इयर्स नहीं 56 इयर्स जी सकता था, ओके ये 56 इयर्स जी सकता है, 40 इयर्स जी सकता है, लेकिन मैं हम एक एवरेज ले रहे हैं, हम सबका एक एवरेज ले रहे हैं। ह्यूमन एलिफेंट का कितना होता है? 50 to 70 इयर्स। होमो सापियंस, ह्यूमन बींग्स, होमो सापियंस का कितना होगा? अबाउट 60 to 70 इयर्स उनका जो एवरेज स्पैन है, लाइफ स्पैन। क्लियर? इट्स द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इतना ही इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे जो कि आपके सामने में बोल दिया। क्लियर? दैट मीन्स वन इज डॉग, काउ, पैरट, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रोकोडाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द एलिफेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, समझ में आ गया? और कुछ भी नहीं है। हाँ एक है फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई जानते हो ना, हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स चैप्टर में ड्रोसोफिलिया मेलानोगैस्टर। ओके, वो एक वीक जीता है, वो सिर्फ एक वीक या फिर 1 to 2 weeks, दैट मीन 7 days to 14 days तक वो जी सकता है, एक ड्रोसोफिलिया मेलानोगैस्टर और सिंपल फ्रूट फ्लाई। क्लियर टू ऑल? ये तो कुछ लाइफ स्पैन मैं बता दिया आपको। ओके, तो अब देखो कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। सो व्हाट इज द, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो बता रहा हूं, डिटेल में आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारा पहला क्लास है, तो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, देखो मैं क्या बोला, आइदर
एक मेल हो सकता है या फिर फीमेल, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए एक मेल हो सकता है या फिर एक फीमेल हो सकता है या फिर वो दोनों हो सकते हैं। अगर बोथ हुए, अगर बोथ हुए, बोथ सिंगल, क्लियर, अगर बोथ हुए तो उनका नाम हम देंगे सेक्सुअल, उनका नाम हम क्या देंगे सेक्सुअल। अगर सिंगल गैमेट हो गया, सिंगल हुआ तो सिंगल पेरेंट इसको बोल देंगे, पेरेंट दैट मीन्स बोथ पेरेंट सेक्सुअल, इट इज असेक्सुअल। समझ में आ गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। तो ये क्या होता है मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं आपको, डिफरेंस में बता रहा हूं, ओके, और ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमारा पहला क्लास था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिसमें बोथ गैमेट्स दैट मींस मेल एंड फीमेल गैमेट विल रिक्वायर, देयर इज अ रिक्वायरेशन, देयर इज बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट only single gamete is required, okay। यहाँ पे नहीं जाएंगे और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाना है हमें नेक्स्ट क्लास में। तो देखो मैं बताया कि बोथ पेरेंट अगर यूज हुए दैट मीन्स ये मेल है, मेल के साथ फीमेल अगर रिप्रोड्यूस दैट मीन्स फ्यूज किया, दैट मीन्स द फ्यूजन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ प्रोजेनी इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हियर देयर इज नो मेल एंड फीमेल गैमेट, देयर इज अ सिंगल गैमेट व्हिच टर्न्स टू अ प्रोजेनी। यहां पे मैं जो बता रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैं बता रहा था कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो वहां पे जो प्रोजेनी होगा आइदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पेरेंट का डेवलप किया होगा या फिर नहीं किया होगा। तो किया होता है कहां पे, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ओके, या फिर नहीं किया हो सकता है। दैट मीन्स ये अगर एक फीमेल, सॉरी मेल है, ये अगर फीमेल है तो उनका जो प्रोजेनी निकलेगा, सपोज एक मेल निकला, सपोज एक बॉय, ये बॉय आइदर फादर के तरह दिख सकता है, आइदर वो मदर के तरह दिख सकता है, ओके, दैट मीन्स दिस इज ए, आइदर वो ना भी दिख सकता है, क्लियर। दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि, हम ये देखते हैं कि जो प्रोजेनी बनता है पेरेंट के साथ सिमिलर होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो पेरेंट होता है, अगर वो फादर है, पेरेंट है, अगर वो पेरेंट है, वो जो प्रोजेनी देगा वो सिमिलर होगा, मतलब पेरेंट जिस टाइप का है प्रोजेनी उसी टाइप का ही होगा। इसमें फिर वेरियस टाइप के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिशन होते हैं, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, बर्डिंग, वो सब हम देखेंगे, ओके, वेस्टेडी प्रोपागेशन क्या होता है, प्रोपेग्यूल्स क्या होता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखो सिर्फ इतना ही जान लो इस क्लास में कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे जो बॉय या फिर गर्ल फॉर्म होता है, दैट मीन्स जो प्रोजेनी वहाँ पे डेवलप होता है, वो आइदर मेल के कैरेक्टर ले सकता था, आइदर वो फीमेल के कैरेक्टर से ले सकता है, आइदर वो किसी के भी कैरेक्टर नहीं ले सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो प्रोजेनी जो बनता है, यहाँ पे जो प्रोजेनी बनता है वो पूरा सिमिलर बनता है, दैट मीन्स वो प्रोजेनी जो बनता है, यहाँ पे अगर एक बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा पूरा सिमिलर जैसे पेरेंट जैसा होता है, फादर जैसा होता है, उसी टाइप का ही बनेगा। यहाँ पे तो बच्चा बच्चा नहीं होता है, यहाँ पे सब फ्यूजन दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म से, दैट मीन्स होमो सेपियंस में तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है,
ओके, जैसे कि हमारा एमोएबा हो गए, पैरामेसियम हो गए, प्लाज्मोडियम हो गए, ये सब जो होते हैं, पेनिसिलियम हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, इनके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली होमो सेपियंस मैनकाइंड में होते हैं। क्लियर। तो आज हम इस क्लास में क्या देखें, हम पढ़े कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या एक एसेंशियल पार्ट है, वो है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशन टू जनरेशन। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं समराइज कर रहा हूँ। और क्या देखें, व्हाट इज लाइफ स्पैन, दैट मीन्स द लाइफ, दैट मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, वो भी देखें। और कुछ ऑर्गेनिजम्स भी, ऑर्गेनिजम्स लिए जिनका लाइफ स्पैन लिए, दैट मीन्स क्रोकोडाइल अगर ले गए, कितना ले गए क्रोकोडाइल, 60 ईयर्स। होमो सेपियंस 60 टू 70 ईयर्स, पैरेट 140 ईयर्स, ये सब हम देखें। और लास्ट में हम ये देखें कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, दैट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे पूरा ब्रीफली, दैट मीन्स सेक्सुअल तो नहीं पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम शुरू करेंगे। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ, दैट मीन्स व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैं और एक बार बताऊंगा, फिर और एक बार बताऊंगा। और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगले क्लास में हम ये तीन चीजें देखेंगे, दैट मीन्स एडवांटेजेस, दैट मीन्स मेरिट डिमेरिट, एंड टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो खैर आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और बिंदास पढ़ते रहिए। ओके, कोई भी डाउट हो इस क्लास से तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाना और पूछ लेना, कोई भी डाउट हो तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मैं एक नया वीडियो बना के आपको दे दूंगा। क्लियर। दैट मीन्स आपका जो भी सवाल होगा उस वीडियो में, उसका आंसर मैं पूरा वीडियो लाइव कर दूंगा। ओके क्लियर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।